हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो खूबसूरत दिन के साथ आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह उठ के मैं पूजा की तैयारी करूंगी, तो उसके लिए पहले मैं घर साफ करके मैं नहा लूंगी। तो स्नान करने के बाद हम कच्चा हल्दी लगाते हैं आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन या कहे तो सरस्वती पूजा के दिन। तो ये मैं बचपन से फॉलो कर रही हूँ, तो अभी भी करती आ रही हूँ और मैं पूरब को भी करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। और तो आज सरस्वती पूजा है और आज सुबह सुबह सारा काम हो जाने के बाद आज येलो ड्रेस पहनते हैं, तो इसलिए मैंने येलो सूट पहन लिया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो रवि और पूरब गया हुआ है प्रसाद मतलब फल और फूल लाने, तो आज रवि आफ्टरनून में जाएंगे, तो मैंने बोला आप मेरे लिए फूल और फल लेके आओ, मैं पूजा की तब तक तैयारी करती हूँ। तो यहाँ तो मूर्ति नहीं है माँ का, तो मैं बुक से ही पूजा करूँगी। तो ऐसे ही करते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं सरस्वती पूजा की। मैं कोलकाता से हूँ, तो फिर वहाँ पे बहुत अच्छा से सरस्वती पूजा मनाया जाता है। और मैं बचपन में हम लोग सब छोटे छोटे थे, तो सब लोग साड़ी पहनते थे उस दिन सरस्वती पूजा के दिन। और फिर हम लोग मैं आर्ट्स करती थी या डांस करती थी, तो उस स्कूल में जाती थी, वहाँ पे पूजा होता था, वहाँ पे प्रसाद खाते थे हम लोग। तो बहुत अच्छा यादें हैं सरस्वती पूजा की। तो अब बाहर में मूर्ति तो नहीं है मेरे पास, बट मैं बुक्स रख के पूजा करूँगी। तो यही है अपडेट आज का। तो हैप्पी सरस्वती पूजा वंस अगेन एवरीवन, और तो बने रहिए मेरे साथ। तो पूरब और रवि शॉपिंग से आने के बाद फिर रवि ने पूरब को स्नान करवा दिया और रेडी भी करवा दिया। और यहाँ पे मैंने पूजा के जगह पे थोड़ा क्लीन कर लिया, साफ़ सफाई हो गया मेरा। और फिर अब मैं बुक्स रखूँगी, तो पूरब का बुक्स है, मेरा नोटपैड है और पेन पेंसिल कलर्स, तो ये सभी मैंने रखा है पूजा में। और स्पेस कम है और नीचे मुझे रखना नहीं है, तो साइड करके मैंने रख दिया है। और अब पूरा भी रेडी हो गया पूजा करने के लिए, तो मैं उसके हाथ से ही पूजा करवा रही हूँ। और कोशिश यही रहती है कि अपने बच्चों को हर पूजा का इम्पोर्टेंस उसे पता चले, हमारा कल्चर और ट्रेडिशनल सब कुछ फॉलो करें। और इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जो भी मैं पूजा करती थी या सेलिब्रेट करती थी इंडिया में, मैं वही सब यहाँ भी कंटिन्यू करती हूँ। और जैसे हमारे पास मूर्ति नहीं है और ये इस पूजा में मेन फल होता है बेर, जिसको कूल कहते हैं, तो वो सब भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर मन में भक्ति हो और आपको करने का मन रहता है तो हो जाता है, ये आपके ऊपर है आप कैसे करेंगे। और ये सब तो एक बहाना रहता है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है तो मैं पूजा नहीं कर सकती, तो ये सब चीज़ें बस एक बहाना रह जाता है नहीं करने का। लेकिन अगर आप कर सकते हैं या करने का मन रहता है तो हो जाता है। और विद्यादारिणी माँ सरस्वती हैं, तो बुक्स आप रख दें। और मैं पूजा का विधि नहीं बता रही हूँ, बस मैंने कैसे किया मैं वो बता रही हूँ। और मैं वही सब
पूरब के अंदर भी लाना चाहती हूँ, हमारा ट्रेडिशनल, हमारा कल्चर, हर पूजा कैसे करते हैं कैसे नहीं, मैं उसे बताती हूँ, सिखाती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर में, अब्रॉड में आपको ये सब तो कहीं से सीखने को नहीं मिलेगा। ये सब जो रहेगा आपको घर से ही सीखने को मिलेगा, जो आपके पास है आप अपने बच्चों पे ही देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे अपना ट्रेडिशनल कल्चर जो भी आपने सीखते आए हैं या सीखे हुए हैं, ये जो फॉलो करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को भी वो सब सिखाना, और मेरा यही हमेशा कोशिश रहता है कि मैं अपने बच्चे को तैयार करूं। बाहर में रह रहा है तो इंडिया का भी कल्चर उसे बताऊं और हर पूजा का इम्पोर्टेंस बताऊं। तो बस इसीलिए, और वो भी बहुत प्यार से मेरा साथ दे रहा है और पूजा कर रहा है। तो बहुत अच्छा से हम दोनों ने पूजा किया और हमारा पूजा संपन्न हो गया। और आज के दिन खिचड़ी बनता है, लबड़ा का सब्जी बनता है, लबड़ा मीन्स आपका मिक्स्ड सब्जी बनता है, और खीर, तो यही सब बनता है। लेकिन मैंने वैसा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि पूरब को भी उतना खिचड़ी पसंद नहीं है और रवि तो रहेंगे नहीं, तो केले केले क्या मैं खाऊँ। तो फिर हमें मार्केट भी जाना था, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे नेक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन था, तो हमें गिफ्ट लेने जाना था। तो पूजा के बाद फिर हम गए। तो हो गई मेरी पूजा और यहाँ पे पूरा देखो, देखो इधर आना, जस्ट कम वंस, सी हाउ इज लुकिंग, हाउ माय पूरा इज लुकिंग, तो हम उसके बाद पूजा के बाद फिर हमने चेंज किया और चेंज करके फिर हम निकल गए शॉपिंग के लिए। और वहाँ पे यहाँ पे मैप देख के पूरा पूछ रहा, मामा हम लोग कहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं यहाँ रहते हैं, वो बता रहा था। तो बहुत ढूंढा और बहुत सारा ऑप्शन देखा, गिफ्ट ऑप्शन, लेकिन कुछ खास मुझे पसंद नहीं आ रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या दूँ। तो वहाँ से मैंने गिफ्ट कार्ड कलेक्ट किया और फिर मैं सुपरमार्केट गई, क्योंकि मुझे पूरब का लोशन और बाथिंग शावर जेल ख़त्म हो रहा था, तो मैं जॉनसन कंपनी का ही लेती हूँ उसके लिए। तो फिर मैं वही वहाँ से लेके फिर घर आ गई। तो ये लिया मैंने, ये मॉइस्चराइज़र वॉश बॉडी सोप और ये लोशन, हेड टू टो वाला लोशन। तो बस यही था मेरा शॉपिंग, ये पहले का था, ये ख़त्म हो गया। तो यही दो मैं लेके आई और फिर मैं लंच बना रही हूँ। तो लंच में मैंने नूडल्स बनाया, थोड़ा डिफरेंट। तो यही मेरा पूजा स्पेशल था आज। झटपट से तैयार हो जाने वाला लंच बनाया, तो तेल में मैंने प्याज दे दिया लंबा लंबा काट के, और लंबा लंबा मैंने गाजर भी काट के एक साथ ही दे दिया था, तो दोनों वहाँ पे पक रहे हैं। और साथ में मैंने कैप्सिकम भी काट लिया है, और वहाँ पे ब्रोकली भी दिया मैंने, और साथ में थोड़ा सा नमक दिया है और ब्लैक पेपर दिया। तो बस यही ऐड किया है मैंने, और कुछ नहीं। तो बस थोड़ा सा पक जाने के बाद फिर मैंने ब्रोकली और थोड़ा देरी के बाद कैप्सिकम भी डाल के मैंने बना लिया, और मैंने नूडल्स भी बॉयल कर लिया है। तो जब मेरा सब तैयार हो जाएगा तो फिर मैं नूडल्स भी इसमें ऐड कर दूंगी, और मेरा लंच तैयार है। तो ये हमारा लंच तैयार हो गया है, और मैंने अपने नूडल्स में जलापेनो पेपर सॉस डाला है। तो बहुत ही सिंपल सा विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सादा सा हमारा नूडल्स तैयार हो गया है।
बहुत ही टेस्टी लगा था और हेल्दी भी है। तो शाम को मैं पूरब को लेके वॉक पे निकली थी और वो साइकिलिंग कर रहा था और बहुत ही खूबसूरत सनसेट के साथ मैं ये ब्लॉग ये वीडियो एंड कर रही हूँ। और घर जाके फिर पूरब के हाथों मैंने संध्या बाती कराया। तो यही था आज का ब्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आप सब अपना खूब ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें।